हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद क्यूनोलॉन्स, अजोल्स, सल्फोनामाइड्स, टैक्सोल्स। तो किसका साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टलूरिया? तो क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फोनामाइड्स कॉज कराते हैं क्रिस्टलूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूरोक्विनोलोन डेरिवेटिव? नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, लोमीफ्लॉक्सासिन, प्रोंटोसिल, पेनिसिलिन जी। तो इनमें से कौन सा है फ्लूरोक्विनोलोन डेरिवेटिव? तो यह होता है लोमीफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लोमीफ्लॉक्सासिन इज ए फ्लूरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोक्विन इज ए फोर अमाइनोक्यूनोलिन, एक्रिडिन, बाइगोनाइड, पायरिमिडिन। तो क्या होता है क्लोरोक्विन? तो क्लोरोक्विन होता है फोर अमाइनोक्यूनोलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड प्राइमाक्विन होता है एट अमाइनोक्यूनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट ड्रग इज पेनिसिलिन, फेनेटिडिन, वारफेरिन, हेपेरिन। तो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ इज रोफेकॉक्सिब, थियोफाइलिन, लोसार्टन, मॉन्टिलुकास्ट। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कफ होता है मॉन्टिलुकास्ट। ऑप्शन डी, मॉन्टिलुकास्ट होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट एंड इट इज यूज्ड इन एलर्जिक कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस टीयर, वैक्स, स्वेट, सीबम। लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूसेस, तो लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है टीयर। ऑप्शन ए टीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटी डिस्ट्रॉयड, इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड। तो क्यों नहीं देते टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ? बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टेट्रासाइक्लिन इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म कराता है, इसलिए इसे मिल्क के साथ में नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग वारफेरिन इज यूज्ड इन डिसीज हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ड्रग वारफेरिन इज यूज्ड इन, तो वारफेरिन यूज करते हैं थ्रोम्बोसिस में। ऑप्शन बी थ्रोम्बोसिस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रग वारफेरिन इज यूज्ड इन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ड्रग इज एंटागनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, एट्रोपिन, एड्रिनलिन, इंसुलिन, हायोसाइमिन। विच ड्रग इज एंटागनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो इनमें से कौन सा है एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन? तो ये हो जाएगा एट्रोपिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एट्रोपिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोड्रग इज डैश फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव, मेडिसिनली एक्टिव, इनर्ट सब्सटेंसेस, नन ऑफ दी अबव। तो क्या होता है प्रोड्रग? तो प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर टाइफॉइड इज क्लोरोक्विन, एस्कॉर्बिक एसिड, ए सल्फा ड्रग और क्लोरोमाइसेटिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं कॉमनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड? तो ये होता है क्लोरोमाइसेटिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर टाइफॉइड इज क्लोरोमाइसेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीडोट फॉर डीडीटी पॉइजनिंग इज एड्रिनलिन, एट्रोपिन, बारबिट्यूरेट, एम्फेटामाइन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एंटीडोट फॉर डीडीटी पॉइजनिंग, तो डीडीटी पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन का एज एन एंटीडोट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन? टीयर, स्वेट, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल। सिक्रीशन विच इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन, तो यह होता है बाइल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाइल इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The most effective drug for stopping generalized tonic-clonic status epilepticus in adult is lamotrigine, ethosuximide, diazepam, zonisamide. Drug for stopping generalized tonic-clonic status epilepticus in adult. तो यह होता है diazepam। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर।
डाइजेपैम होता है ड्रग फॉर स्टॉपिंग टॉनिक क्लोनिक स्टेटस इपिलेप्टिकस इन एडल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन इज यूज टू ट्रीट सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर, एड्स, पोलियो, सिफिलिस. तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का? तो इसे यूज करते हैं टू ट्रीट सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. माइटोमाइसिन इज यूज टू ट्रीट सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द एजेंट ऑफ चॉइस इन द इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक. मिथोक्सामाइन, टर्बुटेलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन. तो इनमें से कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक? तो ये होता है इपिनेफ्रिन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. इपिनेफ्रिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी थेरेपी ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा. एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम, लोबेलिन, होमेट्रोपिन. तो इनमें से किसे यूज करते हैं एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा? तो अस्थमा में यूज करते हैं इप्राट्रोपियम का. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, एज एन इनहेलेशन ड्रग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज. बेंजट्रोपिन, इंड्रोफोनियम, सक्सिनाइल कोलिन, हेक्सामिथोनियम. ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज. तो पार्किंसंस डिसीज में यूज करते हैं बेंजट्रोपिन का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. बेंजट्रोपिन होता है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द लोकल एनास्थेटिक विच इज यूज फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया. टेट्राकेन, कोकेन, डिबुकेन, बुपिवाकेन. तो स्पाइनल एनास्थेशिया के लिए यूज करते हैं टेट्राकेन का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. टेट्राकेन होता है स्पाइनल एनास्थेटिक. देन ये कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनास्थेटिक इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल एनास्थेटिक. प्रोकेन, रोपिवाकेन, लिडोकेन, इटिडोकेन. तो इसमें से कौन से लोकल एनास्थेटिक को बोला जाता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक? तो ये होता है लिडोकेन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. लिडोकेन होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग. हाइड्रोलाजिन, क्लोनिडिन, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल. तो इनमें से कौन सा है प्रोड्रग? तो इनमें से प्रोड्रग है इनालाप्रिल. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. इनालाप्रिल है प्रोड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर. एसिटाजोलामाइड, डाइसल्फिराम, फाइसोस्टिगमाइन, थियोफाइलिन. तो कौन सा है कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर? तो ये होता है फाइसोस्टिगमाइन. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फाइसोस्टिगमाइन होता है कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, परमिएबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज. तो क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी? तो ये होता है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेटिटमल सीजर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. तो किसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लिथियम कार्बोनेट का? तो इसे यूज करते हैं इन बाइपोलर डिसऑर्डर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज टू ट्रीट न्यूरोसिस, साइकोसिस, नार्कोलेप्सी, पार्किंसंस डिसऑर्डर. तो न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड दे आर यूज टू ट्रीट साइकोसिस. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, साइकोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द ड्रग्स दैट कॉज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस. सोडियम बाइकार्बोनेट, सिमेटिडिन, पेप्टोबिस्मोल, कार्बोनोक्सोलोन. तो इनमें से कौन सा ड्रग कॉज कराता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस? तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज कराता है सोडियम बाइकार्बोनेट. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. सोडियम बाइकार्बोनेट कॉजेस मेटाबॉलिक एल्केलोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज एनेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन. तो क्या होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी?
तो यह होता है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन ओरल आयरन थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल एक्शन इज 10 to 30 मिनट्स, 6 to 8 आवर्स, 3 to 5 मिनट्स, 1.5 to 2 आवर्स। ड्यूरेशन ऑफ सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन तो ये होता है 10 to 30 मिनट्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 10 to 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज ए डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडायलेटर, लैबेटेलॉल, क्लोनिडिन, इनालाप्रिल, निफेडिपाइन। विच ड्रग इज ए डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडायलेटर, तो डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडायलेटर होता है निफेडिपाइन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। निफेडिपाइन होता है डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडायलेटर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।